भाजपा ने 2024 के चुनाव से कोई भी सीख नहीं ली। जो काम वो खुलेआम करना चाहते थे, कानून को संविधान की हत्या कर आरक्षण खत्म करना चाहते थे, अब चोर दरवाजे से वो काम करने की कोशिशें की जा रही है। सबसे पहले इसमें जो मुद्दा बाहर निकलकर आया कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जहां पे आईएएस अधिकारी बैठते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी की पोजीशंस पर भाजपा की मोदी सरकार एक इश्तेहार निकालती है, विज्ञापन निकालती है, कहती है कि 45 ऐसे पोजीशंस जहां पे लैटरल एंट्री से वो लोगों को लाना चाह रहे हैं उसमें आरक्षण नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम, बड़ा पाप भाजपा करने जा रही थी और ये पहली बार नहीं करने जा रही थी। इससे पहले भी कुल 63 ऐसे लैटरल एंट्री पोजीशंस मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2018 से लेके 2024 के बीच में 63 पोजीशंस लेटर एंट्री के फिल गए गए हैं जहां पर आरक्षण है ही नहीं। और 2024 के चुनाव के बाद पहला जब इश्तेहार आता है तो पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति में भी ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आज मैं आप सबके सामने एक और बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। अगर भाजपा या मोदी सरकार का कोई भी मंत्री ये कहता है कि नियम कानून हमें ये अलाउ करते हैं कि आरक्षण इन पोजीशंस पे नहीं दी जाए, तो ये सरासर झूठ बोल रहा है। मेरे हाथ में डीओपीटी, जो केंद्र सरकार के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसका एक मेमोरेंडम है 21 नवंबर 2022। अब ये दिलचस्पी से सुनिए, सरकार का आधिकारिक मेमोरेंडम क्या कहता है, ये मेमोरेंडम किस संदर्भ में निकाला गया, सारी मिनिस्ट्रीज को एडवाइस किया गया और ये था, सब्जेक्ट है रीआइटरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स। और इसमें जो मुख्य लाइन है वो मैं पढ़ लेता हूं, ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी मेड इन ऑल टेम्पररी एंड अपॉइंटमेंट्स विच आर टू लास्ट फॉर 45 डेज और मोर। मतलब 45 दिन से ज्यादा अगर आप किसी को भी सरकारी नौकरी में रखते हो तो वहां पर आरक्षण देना अनिवार्य है। और अगर कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री आरक्षण नहीं देता तो वो कानून का और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं, अरे साहब ये लैटरल एंट्री तो केवल 3 साल 5 साल तक ही सीमित है, ये आजीवन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका खुद ये सर्कुलर दिखाता है कि 45 डेज की टेम्पररी अपॉइंटमेंट भी हो तो आपको आरक्षण देना जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब आप सरासर झूठ बोल रहे हो। ये बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियां ना दी जाए।